हेलो अ वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन वेलकम टू सी यू टी बायर डा ट्वेंटी फोर्ट सेवन एंड आई एम यामिनी टुकराली बायोलॉजी मेंटर फॉर द बायोलॉजी डोमेन हाय गुड आफ्टरनून संजना हाउ आर यू हाउ आर यू माय स्टूडेंट्स एक दिन का ब्रेक था हमारा वीकेंड कैसा गया सबका सबका वीकेंड हमारा कैसा गया रिफ्रेशिंग क्या क्या किया सबने वीकेंड में क्या क्या किया सबने वीकेंड में सेशन को शेयर करना है लाइक like करना है और सब्सक्राइब करना है हमारे चैनल सी यू ई अड्डा ट्वेंटी फोर और आप सबके लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ जो है मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत बड़ी गुड न्यूज़ जो है मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ कि फाइनली वी आर लॉन्चिंग अ वी आर लॉन्चिंग अ बैच फॉर कम्प्लीट सी प्रिपरेशन तो आप जब अड्डा की साइट पर जाएंगे तो आपको जो है वो वाला बैच मिल जाएगा आप जो है उस पर क्लिक करके ये वाला कोड जो है यूज करेंगे वाई फोर एट सेवन जिसपे आपको जो है सेवनटीन परसेंट डिस्काउंट मिलेगा पूरा का पूरा बैच रहेगा वन ऑन वन क्लासेस रहेंगी ट्वेंटी फोर वाई सेवन डाउट सेशन से रहेंगे तो मैं जो है इस सेशन के एंड में जो है आपको उसके बारे में बता दूंगी तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पार्ट फाइव के साथ तो सर फर्स्ट क्वेश्चन इज ग्व ओके संजना मिसिंग दी क्लास कोई बात नहीं अब अच्छा हाँ आप लोगों के लिए एक और न्यूज है कि जो ये हमारी वाई वाली जो ये लाइव क्लास रहेगी वो एम डब्ल्यू एफ मंडे वेंसडे फ्राइडे रहेगी 2 पी पे अब डेली नहीं होगी सिर्फ मंडे वेंसडे एंड फ्राइडे रहेगी दो बजे तो मंडे वेंसडे फ्राइडे जो है हम लोग बायोलॉजी पढ़ेंगे मेरे साथ में है ना मंडे वेंसडे फ्राइडे जो है हम लोग बायोलॉजी पढ़ेंगे अब मेरे साथ में ठीक है बच्चों तो चलिए इसका क्वेश्चन का आंसर कीजिए इस क्वेश्चन का जो है हमने आंसर करना है कि अ पर्सन विद टेट्राप्लॉइडी विल हैव डैश सेट ऑफ क्रोमोसोम्स इन देयर स्पर्मेटिड्स अगर एक पर्सन को क्या है टेट्राप्लॉइडी है क्या है बच्चों टेट्राप्लॉइडी है तो उनके स्पर्मेटिड के अंदर कौन से जो है हमारे कितने सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स रहेंगे ए हैप्लॉइड रहेगा बीट एप्रोइड रहेगा सी डिप्लोइड रहेगा या फिर डी पॉलीप्लॉइड रहेगा एक पर्सन को टेट्राप्लॉयडी है तो उसके जो स्पर्मेटिड्स जनरेट होंगे बच्चों वो कौन सी प्लॉयडी लेवल जो है हमें शो करेंगे कौन से प्लॉयडी लेवल जो है हमें शो करेंगे गुड आफ्टरनून नंदिता गुड आफ्टरनून सौरभ गुड आफ्टरनून आलोक पाठक नमस्ते वेरी गुड वेरी गुड सबके सब आ गए हैं बच्चे शाम में होती है रीजनिंग की क्लास शाम में होती है रीजनिंग की क्लास इसका मुझे बताओ अगर पर्सन के पास पर्सन पर्सन इफ द इज टेट्राप्लॉइड है तो उसके अंदर क्या होता है हमारा क्या होगा रिडक्शनल डिविजन होगा रिडक्शनल डिविजन के अंदर क्या होगा मियोसिस के अंदर क्रोमोसोम्स हमारे क्या हो जाते हैं बच्चों हाफ हो जाते हैं है, है ना कितने हो जाते हैं हमारे क्रोमोसोम्स बच्चे हाफ हो जाते हैं तो टू एन तो जो क्रोमोसोम्स हमारे गैमेट्स के अंदर होंगे वो कितने होंगे

टू एन रहेगा डिप्लॉयड क्लियर हुआ सबको यस yes, प्रीति कुमारी ऑप्शन सी विल बी करेक्ट बच्चे ऑप्शन सी विल बी करेक्ट हमें क्लियर क्लियर हो हो गया clear हो गया यस सुमन डिप्लॉयड रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं लेबल द पार्ट दिच इज मार्क्ड विद अ ब्लू एरो ये वाला पार्ट जो है हमने एम्ब्रियो सैक के अंदर बताना है ये वाला जो है हमने पार्ट बताना है एम्ब्रियो सैक के अंदर जल्दी से इसका आंसर बताओ क्या होगा ए शालजा बी माइक्रोपाइल सी एग या फिर डी न्यूसेलस जो हमारा ये लेबल्ड है ना पार्ट बच्चे ये वाला पार्ट जो हमारा लेबल्ड है ये क्या है ये क्या है ए शालजा बी माइक्रोपाइल सी एग या फिर डी न्यूसेलस हाय अभिनीश आई एम गुड बच्चे हाउ आर यू हाउ आर यू बच्चे हाउ आर यू ये वाला मुझे पार्ट बताओ क्या होगा ये वाला पार्ट बताओ ए शालजा बी माइक्रोपाइल सी एग या फिर डी न्यूज क्या होगा आंसर जल्दी से बताओ जल्दी 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 ऑप्शन डी आया है मीम्स डेली ने भेजा है प्रीति कुमारी समृद्धि सिंह वेरी गुड बच्चे ऑप्शन डी विल बी करेक्ट स्टूडेंट्स ऑप्शन डी होगा ये न्यूज सेलस होता है ये हमारा क्या होता है बच्चों न्यूज सेलस होता है ये हमारा क्या होता है स्टूडेंट्स ये yes, गौरव न्यूज सेलस होता है नो माइक्रो पाइल नहीं होता माइक्रो हमारा ये है शाल हमारा ये है एग हमारा क्या है एग हमारे ये होता एग हमारा ये होता है

ए टेल बी माइटोकॉन्ड्रिया या फिर डी एक्रोसोम अगर स्पर्म की मोटिलिटी के अंदर दिक्कत है स्पर्म की मूवमेंट में दिक्कत हो रही है तो इनमें से कौन सा जो पार्ट है वो हैम्पर हुआ है इसमें से कौन सा पार्ट है बच्चों जो हैम्पर हुआ है जल्दी से बताओ जल्दी से बताओ यस मीम्स डेली ने सबसे पहले आंसर किया है ऑप्शन ए टेल वैभव गौरव कुमार मीमांशा सिंह नंदिता यस वेरी गुड आलोक बच्चे एक्रोसोम नहीं होगा यस yes, प्रीति कुमारी यस समृद्धि सिंह ऑप्शन ए विल बी करेक्ट बच्चे ऑप्शन ए टेल के अंदर प्रॉब्लम है क्योंकि टेल जो है स्पर्म को मोर्टेलिटी प्रोवाइड करती है टेल जो है बच्चों स्पर्म को मोर्टेलिटी प्रोवाइड करती है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं वेरी गुड स्टूडेंट संजना ने वेरी गुड समृद्धि वेरी गुड वाज रजिस्टर्ड अगेंस्ट द प्रोजेनी बीइंग एक्सचेंज एट दी हॉस्पिटल का ब्लड ग्रुप जीनोटाइप ये था ठीक है वट वॉज द ब्लड ग्रुप ऑफ द चाइल्ड हु वॉज रॉन्गली प्लेस्ड अगर वो चाइल्ड रॉन्गली प्लेस्ड है तो उसका ब्लड ग्रुप कौन सा होगा अब इनके साथ अगर हम क्रॉस करवा के देखें तो कौन सा ब्लड ग्रुप पॉसिबल ही नहीं है कौन सा ब्लड ग्रुप हमारा पॉसिबल ही नहीं है ए ए बी बी सी ए बी या फिर डी ओ ए बी सी डी क्या रहेगा इसका आंसर बच्चों जल्दी से बताओ जल्दी से बताओ जल्दी जल्दी से मुझे आंसर्स दिखने चाहिए जल्दी से मुझे आंसर्स दिखने चाहिए कि अगर पेरेंट्स का जीनोटाइप ये है तो कौन सा ऐसा इनमें से ब्लड ग्रुप है जो बच्चे का हो ही नहीं सकता वेरी गुड मीम्स डेली ने करेक्ट आंसर दिया है ऑप्शन डी ओ अगर हम लोग क्रॉस करके भी दिखा लेना अगर हम लोग बच्चों क्रॉस करके भी दिखा ले तो क्या आएगी हमारे जीनो क्या आएंगे देख लेते हैं ए ब्लड ग्रुप पॉसिबल है ए बी पॉसिबल है ए पॉसिबल है और बी पॉसिबल है ओ पॉसिबल ही नहीं है वेरी गुड सुमन यस yes, बच्चे ऑप्शन डी विल बी करेक्ट ऑप्शन डी विल बी करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट इंटरप्रिटेशन

जल्दी बताओ जल्दी बताओ इसका आंसर इंडिपेंडेंट असोटमेंट का इंटरप्रिटेशन कौन सा करेक्ट है जल्दी बताओ यस वेरी गुड ऑप्शन सी ऑप्शन सी करेक्ट है संजना त्यागी मीमांशा सिंह समृद्धि सिंह आलोक पाठक नीम जेली नंदता, अभिनीश समृद्धि वैभव

जल्दी बताओ इसका आंसर वैभव का आंसर आ गया है ई e. कोलाय बाकी सब भी मुझे आंसर्स करो कि सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए हमने कौन से ऑर्गेनिजम में सबसे पहले देखा था वेरी गुड ई कोलाय वेरी गुड बच्चे ऑप्शन डी इज़ करेक्ट ऑप्शन डी इज़ करेक्ट उन सब के लिए क्लैपिंग जिन्होंने ये आंसर बहुत सही दिया है इतना पता है सबको विच ऑफ आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन इनमें से कौन सा जो है बच्चे नाइट्रोजन का ए एन फिफ्टीन बी एन सॉरी एन फोर्टीन एन फिफ्टीन एन थर्टीन या फिर एन सिक्सटीन इनमें से कौन सा जो है आइसोटोप होता है नाइट्रोजन uh, का यह स्टाइल, अनुष्का कोई बात नहीं बच्चे बट ये है एटलीस्ट टू फाइव टू टेन तक ज्वाइन कर लिया करो क्योंकि टू थर्टी पे तो क्लास ही ओवर हो जाती है 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 ना? आइसोटोप कौन सा इसमें से नाइट्रोजन का जल्दी बताओ जल्दी जल्दी मुझे दिखना चाहिए आंसर यस आलोक यस मीमाशा यस समृद्धि

जल्दी से आंसर्स बताओ कि इनमें से डाविन फिंचेस की जो मदर स्पीशीज थी वो कौन सी थी और उनसे जो है डिफरेंट स्पीशीज हमारी निकली जल्दी से, yes, yes, good, जल्दी से मुझे आंसर्स बताओ कि डाविन स्विंशेस की मदर स्पीशी कौन सी थी मदर स्पीशी कौन सी थी फ्रूट ईटर कैक्टस ईटर इंसेक्ट ईटर या फिर सीड ईटर जल्दी से मुझे जो है आंसर मिलना चाहिए जल्दी से आंसर मिलना चाहिए ये yes, ये yes. संजना त्यागी मीम जेली मीमांशा सिंह समृद्धि सिंह वैभव आलोक पाठक ऑप्शन डी सीड ईटर इज द करेक्ट आंसर बच्चे सीड डीटर जो थी वो मदर स्पीशी थी और उससे डिफरेंट स्पीशीज निकली उससे हमारी डिफरेंट स्पीशीज निकली वेरी गुड नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग स्मॉल पॉक्स वैक्सीनेशन स्मॉल पॉक्स की जब वैक्सीनेशन कराते हैं तो इनमें से क्या जो है इंट्रोड्यूस किया जाता है पेशेंट की बॉडी में ए एंटीबॉडीज बी एंटीजन सी अटेन वैक्सीन या फिर डी डब्ल्यू बी सीज वेरी गुड अभिनीश वेरी गुड संजना त्यागी समृद्धि सिंह सुमन गुप्ता अनुष्का तोमर वेरी गुड बच्चे वेरी गुड बहुत ही अच्छे आंसर्स करे हैं जितने अच्छे आंसर्स करे हैं जितने भी लाइव व्यूअर्स हैं उतने लाइक्स मुझे उस पर दिख जाने चाहिए जितने लाइव व्यूअर्स हैं उतने ही लाइक्स जो है मुझे बराबर पैरलि चलते हुए नजर आने चाहिए पैरलि चलते हुए नजर आने चाहिए जल्दी से जल्दी से आंसर करो इसका आंसर करो क्या जो है इंसर्ट किया जाता है बच्चे स्मॉल पॉक्स की वैक्सीनेशन में वैक्सीनेशन किस प्रिंसिपल पे काम करती तो है जब हम वैक्सीन की बात करते हैं तो वैक्सीन मेमोरी के प्रिंसिपल पे काम करती है ना मेमोरी के प्रिंसिपल पे काम करती है तो ऑप्शन सी अटीनुएटेड वायरस जाता है अटेनुएटेड वायरस आता है बी पी बी भी कर रहे हो अटेनुटेड वायरस जाता है तभी तो अंदर जो है मेमोरी बनती है तभी तो मेमोरी बनती है बच्चे ऑप्शन सी अटीनुएटेड वायरस जाता है

यस yes, ओ oh नो no, बिल्कुल गलत आंसर कर दिया ओ oh नो no. एक क्वेश्चन सबका गलत हो गया कॉमन क्वेश्चन व्हाट इज अ बुलक क्या होती है बुलक इनफर्टाइल फीमेल का, infer, infer, का हो या फिर कैस्ट्रेटेड कैस्ट्रेटेड मेल का हो बुलक क्या होती है बुलक क्या होती है एंटीजन बच्चे वायरस का लिविंग फॉर्म होता है हम अटिनुएटेड वायरस को ही हमेशा जो है इंसर्ट करते हैं बुलक क्या होती है ये बताओ बुलक क्या होती है ये बताओ जल्दी से बताओ मुझे बुलक क्या होती है बुलक क्या होती है ऑप्शन डी बच्चे कैस्ट्रेटेड मेल का होती है कैस्ट्रेटेड मेल का होती है कैस्ट्रेटेड होती है कैस्ट्रेटेड होती है

फर्मेंटेशन से जो पहला ऑर्गेनिक एसिड प्रोड्यूस हुआ था वो कौन सा था फर्मेंटेशन से जो पहला ऑर्गेनिक एसिड प्रोड्यूस हुआ था स्टूडेंट्स वो कौन सा था कौन सा था वो सबसे पहला ऑर्गेनिक एसिड जो कि फर्मेंटेशन से प्रोड्यूस हुआ था जल्दी आंसर दिखने चाहिए यस yes, संजना त्यागी अभिनीश ऑप्शन बी बचे लैक्टिक एसिड इज द करेक्ट आंसर मीम बी है आलोक पाठक यस yes, लैक्टिक एसिड समृद्धि सिंह यस yes. संजना त्यागी यस yes. ए नहीं है बी है लैक्टिक एसिड जो है पहला ऑर्गेनिक एसिड प्रोड्यूस हुआ था थ्रू फर्मेंटेशन ऑप्शन बी यस समृद्धि वेरी गुड नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स बिलोंग टू लार्जर क्लास ऑफ एंजाइम्स वो क्लास ऑफ एंजाइम्स कौन सी है ए प्रोटीन्स बी न्यूक्लियस या फिर डी आइजोजाइम्स जल्दी से बताओ जल्दी से बताओ आंसर जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो एक लार्जर क्लास ऑफ एंजाइम से बिलोंग करते हैं कौन सी क्लास होती है वो प्रोटींस और प्रोएंजाइम्स न्यूक्लियसिस आइसोइम सी है सायशा वेस्ट वेरी गुड बी था अंजलि यस बी ही था इसका आंसर बताओ ए बी सी डी क्या रहेगा जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या रहेगा इसका आंसर क्या रहेगा यस yes, वैभव ने सबसे पहले आंसर किया है न्यूक्लियजिस वैभव ने सबसे पहले और करेक्ट आंसर दिया है न्यूक्लियस yes, मेमांशा यस yes, अंजलि यस yes, आलोक संजना अनुष्का सुमन इवान प्रीति अभिनीश यस yes, बच्चे सी 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 संजना हिंदी में सी 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 वेरी गुड सी ही है यस yes, सुमन अनुष्का यस बच्चे सी ही हमारा आंसर है न्यूक्लिए ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है न्यूक्लियजिस नेक्स्ट क्वेश्चन डैश वॉज दी फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस दैट वॉज आइसोलेटेड एंड कैरेक्टराइज फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस कौन सा था इको आर वन बैम एच वन हाइन टू या फिर स्मा वन ए बी सी डी क्या रहेगा इसका आंसर फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हमारा कौन सा था फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कौन सा था जल्दी से बताओ यस डेफिनेटली लाइक दिस सेशन गाइस शेयर भी करो लाइक like भी करो सब करो ऑप्शन सी यस वेरी गुड मीन्स येलिए आसो तुम्हारे कई सारे सवाल के आंसर्स जो है जवाब जो है गलत जा रहे हैं ना हाइंड टू यस बच्चे ऑप्शन बी और सॉरी ऑप्शन सी ऑप्शन सी है बच्चे ऑप्शन सी हाइंड टू है ऑप्शन सी करेक्ट है ऑप्शन सी

जल्दी से मुझे आंसर्स दिखने चाहिए स्टूडेंट्स जल्दी जल्दी मुझे आंसर्स दिखने चाहिए ए बी सी डी एंटी ट्रिप्सिन्रिप्सिन ग्रोथ हार्मोन या फिर इंसुलिन यस संजना का सबसे पहला करेक्ट आंसर आया है मीम्स डेरी ने फाइनली एक करेक्ट आंसर दे दिया है ऑप्शन बी अभिनीश संजना वेरी गुड अल्फा वन एंटी ट्रिप्सिन इट इज यूज टू ट्रीट एम्फोसे बच्चे इट इज यूज टू ट्रीट एम्फेमा यस अंजलि यस सुमन वेरी गुड वेरी गुड आलोक यस बच्चे ऑप्शन भी एल्फा वन यस 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 अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन जो है बच्चे एम्फोजिमा के ट्रीटमेंट के लिए जरूरी होता है ठीक है बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं व्हाट इज द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म एक इंडिविजुअल के बाद में कौन सी हे आर की आती है कौन सी हे आर की आती है कम्युनिटी ऑर्गन्स पॉपुलेशन या फिर सेल्स अगर एक सिंगल इंडिविजुअल है उसके बाद में डिफरेंट डिफरेंट मतलब सिमिलर ग्रुप ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल्स इतना बड़ा हिंट दे दिया ग्रुप ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल्स इट इज नोन एज कौन सी है आर की आएगी कौन सी हे आर की आएगी कम्युनिटी ऑर्गन्स पॉपुलेशन या फिर सेल्स कम्युनिटी ऑर्गन्स पॉपुलेशन या फिर सेल्स कौन सी जो है इसके बाद में हे आर की आएगी जल्दी से बताओ मुझे आंसर्स जल्दी से बताओ भाई जल्दी से बताओ भाई, से बताओ भाई। आंसर्स बताओ वैभव का बिल्कुल करेक्ट आंसर आया है ऑप्शन सी यस बच्चे अनुष्का यस आयशा यस वैभव यस गौरव अनुष्का संजना प्रीति वान्या yes, यस yes, बच्चे आलोक यस बच्चे पॉपुलेशन इज द करेक्ट आंसर पॉपुलेशन इज व्हाट अ ग्रुप ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल्स अ ग्रुप ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल्स ये हमारा क्या होता है बच्चे पॉपुलेशन होती है ये हमारी पॉपुलेशन होती है ऑर्गन तो सेल्स वाले ऑर्गन आते हैं ना टिश्यूज डिफरेंट टिश्यूज मिलके ऑर्गन बनाते हैं ऑर्गन नहीं आएगा हमारा पॉपुलेशन आएगा यस yes, बच्चे वेरी गुड वेरी गुड बहुत बढ़िया आंसर्स कर रहे हो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन दी सोइल एट एनी गिवन टाइम कॉल्ड किसी भी एक टाइम पे जब हम सोइल के अंदर प्रेजेंट न्यूट्रिएंट्स को अमाउंट करते हैं मतलब उनको कैलकुलेट करते हैं तो उस उसको हम लोग क्या बोलते हैं उस टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं ए स्टैंडिंग स्टेट बी ये क्या है ए और बी सेम कैसे हैं बी हटा दो बी हटा दो ए सी और डी में से बताओ ए सी और डी में से बताओ कम्युनिटी बच्चे इट इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर पॉपुलेशन इट इज अ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन बच्चे कम्युनिटी इज अ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन इसलिए इसका आंसर बताओ ए सी या डी में से मुझे पता है इसका आंसर तुम्हें पता चल गया होगा है ना तुम्हें इसका आंसर जो है पता चल गया होगा जल्दी से बताओ इसका आंसर जल्दी 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 यस ऑप्शन ए ऑप्शन ए इज करेक्ट स्टैंडिंग स्टेट यस प्रीति यस अंजलि यस सौरभ यस वानिया वेरी गुड ऑप्शन ए जो है बच्चों वो हमारा करेक्ट है ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं वॉट डाइवर्सिटी एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर टू दी पोल्स स्पीशीज डाइवर्सिटी को क्या होता है जब हम ट्रॉपिक से यानी इक्वेटर से पोल्स की तरफ में मूव करते हैं ए इंक्रीजेस बी डिक्रीजेस सी अनचेंज या फिर डी सेम ए बी सी डी यस संजना वेरी गुड यस रिवील माइक्रोबायोलॉजी शॉर्ट्स बताओ क्या डाउट है जल्दी से बताओ क्या डाउट है इसका बताओ जब जब हम लोग जो है इक्वेटर से पोल्स की तरफ़ में मूव कर रहे होते हैं तो स्पीशीज डाइवर्सिटी पे क्या फर्क पड़ता है क्या प्रभाव पड़ता है क्या इफेक्ट पड़ता है स्पीशीज डाइवर्सिटी पे आंसर यस वैभव डिक्रीज ऑप्शन बी इज़ करेक्ट डिक्रीज यस आयशा यस मीमांशा यस मीम्स डेली यस प्रीति यस वैभव यस पूछिए माइक्रोबायोलॉजी शॉट्स पूछिए यस संजना त्यागी यस आयशा यस वेरी गुड अंजलि अभिनीश ऑप्शन बी इज करेक्ट बच्चे ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है यस वान्या इवान यस बच्चे

वजह से क्या होता है जिसकी वजह से क्या होता है बच्चे जिसकी वजह से स्पीशीज फ्लरिश ही नहीं कर पाती है वो हमेशा एक चेंजिंग स्टेट में रहती है वेरी गुड मुकुंद अभी तुम आए और तुम बोल रहे हो मैम क्लियर है बिल्कुल बहुत बढ़िया क्लियर है तो बहुत बढ़िया

मेरा ही तो नंबर है मैंने अपना नंबर डाल दिया और ये मेरा ही नंबर शो हो रहा है प्रिंस मेरा ही नंबर शो हो रहा है ये क्वेरी के लिए नंबर शो हो रहा है बच्चे क्वेरी के लिए अगर किसी ने आ, पूछना है सी के जो हमने बैचेस लॉन्च किए हैं उसके बारे में तो वो क्वेरी के लिए है ठीक है बच्चे ये बताओ इनमें से जब जो है एलगी की ग्रोथ बहुत ज्यादा हो जाती है तो उसको क्या बोला जाता है जब एलगी की ग्रोथ बहुत ज्यादा हो जाती है तो उसे क्या बोला जाता है जल्दी बताओ उसको हम लोग बोलते हैं बी यूट्रोफिकेशन जो कि सबने ही आंसर करेक्ट लिखा है सबने ही आंसर जो है करेक्ट लिखा है बच्चे एक्चुअल साइंस ग्रुप बना दो अच्छा ग्रुप बनाओ टेलीग्राम ग्रुप बना देते हैं टेलीग्राम ग्रुप बना देते हैं बायोलॉजी डोमेन का आप लोगों के लिए भी जो है सही रहेगा है ना आप लोगों के लिए भी जो है सही रहेगा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं वट इज द रीजन फॉर चौकिंग ऑफ द सर्फेस ऑफ पॉन्ड और लेक जब पॉन्ड और लेक का जब पॉन्ड और लेक का जो है सरफेस ऑफ चौक हो जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं उसके रीजन को क्या बोलते हैं उसका रीजन होता क्या है ए न्यूट्रिएंट्स, बी फीकल मैटर्स एलगम ब्लूम या फिर डी बैक्टीरिया जल्दी से आंसर बताओ यस मुकुंद निकेश अभिनीश किशन सुमन वेरी गुड प्रिंस यस बच्चे यस yes, बच्चे बिल्कुल सही आंसर है पिछले वाले के सबके सबके बिल्कुल जो है करेक्ट आंसर है सबके करेक्ट आंसर है वेरी गुड स्टूडेंट्स वेरी गुड बहुत अच्छे आंसर जो है मेरे को मिल रहे हैं बहुत ही बढ़िया आंसर मिल रहे हैं यस yes! ठीक है बच्चे यस बच्चे ऑप्शन सी इज करेक्ट एल्गल ब्लूम की वजह से जो है सारा का सारा सरफेस ऑफ वाटर जो है चोक हो जाता है रुक जाता है अटक जाता है ऑप्शन सी एल्गल ब्लूम और एल्गल ब्लूम को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चो यूट्रोफिकेशन भी बोलते हैं यूट्रोफिकेशन भी बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम अकर्स ड्यू टू दी यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी इनमें से अगर हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी यूज करेंगे तो क्या होने की संभावना है क्या हो सकता है ठीक है आलोक आई विल लेट यू नो सून अच्छा आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट थी कि मेरी जो क्लासेस है वो मंडे वेंसडे फ्राइडे दो बजे रहेगी रोज नहीं रहेगी मंडे वेंसडे फ्राइडे जो है अब रहेगी दो बजे मंडे वेंसडे फ्राइडे मेरा सेशन रहेगा दो बजे का बायोलॉजी डोमेन का यस रिविल माइक्रोबायोलॉजी हमारी जो है कॉमर्स की क्लास भी इधर ही मिलेगी ठीक है कॉमर्स की क्लास भी इधर ही मिलेगी थैंक यू निकेश इट निकेशन्स अलॉट बच्चे इट मीनस अलॉट यस वैभव निकेश अंजलि संजना वेरी गुड बच्चे ऑप्शन है हमारे एक्सीडेंटल लीकेज जो है न्यूक्लियर एनर्जी जब हम लोग यूज करते हैं इसकी संभावना रहती है ये प्रॉब्लम जो है हो सकती है यस एवरीबॉडी यस एक्सीडेंटल लीकेज जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है एक्सीडेंटल लीकेज जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है और आप सबके लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है जो मैं आप लोगों को देने आई हूँ आपने जो है जाना है अड्डा ट्वेंटी की वेबसाइट पे वहां में आपने सेलेक्ट करना है सी पैकेज सेलेक्ट करना है सीयू टी का वहां पे जो है हमें पूरा एक होलसम पैकेज मिल रहा है हमें एक पूरा जो है होलसम पैकेज मिल रहा है किस चीज़ का हमारे डोमेन स्पेसिफिक तैयारी का जिसके अंदर हम लोग क्या करेंगे लाइव क्लासेस लेंगे वन ऑन वन स्टूडेंट्स के साथ और ट्वेंटी फोर बाई सेवन जो है टीचिंग सपोर्ट मिलेगा सारे के सारे जो है हमें मटेरियल मिलेंगे पूरे एक डोमेन को तैयार करने के लिए तो उसके लिए आप ये वाला कोड जो है वाई हमारा यूज कर सकते हैं टू अवेल सेवेंटीन डिस्काउंट तो मैं आपको दिखा देती हूँ आप लोग जो है अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन की जो है साइट पे जाके ये देख सकते हैं जब हम लोग देखो अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन की जब हम लोग साइट पे जाके हम लोग ऑल कोर्सेज के अंदर जाएंगे अंडर ग्रेजुएशन कोर्सेस के अंदर हम लोग सी यू सी ई टी का कोर्स जो है सेलेक्ट करेंगे ठीक है उसके अंदर आपको जो क्लास चाहिए हो जो आपको पैकेज चाहिए हो आप जो है उसे सेलेक्ट करेंगे जैसे कि हम मेरा वाला पैकेज सेलेक्ट कर लेते हैं साइंस वाला साइंस डोमेन का अगर हम सेलेक्ट करेंगे तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसका जो प्राइस है वो नाइन थाउजेंड नाइन हंड्रेड नाइनटी है और जैसे ही हम इसे अगर बाय करते हैं अगर हम लोग इसे जो है बाय करते हैं कहा है बाय का ऑप्शन बाय नाउ करते हैं और मेरे वाला कोड लगाते हैं कौन सा कोड लगाना है हमने वाई वाई हमने लगाना है वाई फोर एट सेवन अगर हम लोग यह वाला कोर्स लगाएंगे तो आप देख सकते हो कि फिर सिर्फ पड़ेगा एट थाउजेंड टू हंड्रेड नाइन रुपीज का तो हम लोग जो है अड्डा ट्वेंटी कौन सा कोड लगा सकते हैं वाई फोर एट सेवन वाई फोर एट सेवन का अगर हम लोग जो है कोड लगाएंगे तो क्या होगा हमें सेवनटीन परसेंट डिस्काउंट मिलेगा साइंस डोमेन या फिर किसी और डोमेन के पैकेज को भी खरीदने पर ठीक है बच्चा तो इसमें क्या होगा इसमें हमारे जो है इंग्लिश पी और जनरल टेस्ट तीनों की तैयारी की जाएगी तीनों की तैयारी की जाएगी लाइव क्लासेस होंगी डेली 24 फोर बाई सेवन टीचिंग सपोर्ट मिलेगा और सारा का सारा मटेरियल जो है हमें यहीं पे इसी क्लास के अंदर मिल जाएगा इन ओनली एट टू डबल नाइन एट टू डबल नाइन ठीक है बच्चे तो ये जो है हमने कोड कौन सा यूज करना है इसके लिए वाई कौन सा कोड यूज करना है स्टूडेंट्स वाई फोर एट सेवन है कोड आप ये लगा के जो है सेवनटीन परसेंट का डिस्काउंट ले सकते हैं एट टू डबल नाइन का पड़ेगा जो कि हमारा टेन थाउजेंड का पड़ रहा था ठीक है जो कि हमारा टेन थाउजेंड का पड़ रहा था और बाकी आप लोग जो है फ्री मटेरियल के लिए फ्री मटेरियल के जो है अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन की ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं कौन सी आपको इंस्टॉल कर सकते हैं बच्चों अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन की ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं जिसपे हमें जो है फ्री डेली क्विजेज़ मिलेंगे है ना फ्री डेली क्विजेज मिलेंगे हमें पी मिलेंगी और गिव अवेज लाइव मॉक टेस्ट और ये सारे के सारे पेपर्स की तैयारी होगी अगर हम लोग अड्डा ट्वेंटी की ऐप इंस्टॉल करते हैं ठीक है बच्चे अड्डा ट्वेंटी की ऐप इंस्टॉल करते हैं बच्चे अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन की ऐप में जो है आपको पूरी की पूरी पीडीएफ मिलेगी डेली क्विज़स मिलेंगे ऑन द डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स, ठीक है जैसे बायोलॉजी का हो गया और डिफरेंट डिफरेंट जो एग्जाम्स टारगेट कर रहे हैं सीयूईटी का आई आईपी मैट का जिप मैट का सबके जो है हमें मिलेंगे ठीक है बच्चे तो अगर आप लोगों ने जो है खरीदना है पूरा डोमेन की अच्छे से तैयारी करनी है अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है तो मैं तो यही रिकमेंड करूंगी कि आप लोग जो है अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन डॉट कॉम से पैक ही पूरा खरीदो साइंस साइंस डोमेन का उसके अंदर मेरा जो कोड है ये वाला कोड है वाई फोर एट सेवन जो है आप लगा के ऑफर को अवेल कर सकते हैं सेवनटीन परसेंट ऑफ के ऑफर को तो मिलते हैं वेंसडे को दो बजे ठीक है बच्चे ठीक है बच्चे तो मंडे वेंसडे फ्राइडे हमने आना है बायोलॉजी डोमेन की क्लास में एट टू पी मिलते हैं वहां वहां पे नेक्स्ट वेंसडे ठीक है मतलब नेक्स्ट वेंसडे नहीं परसों जो है हम लोग मिलेंगे दो बजे बाय बाय एंड टेक केयर एवरी